महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया है लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम घड़ी की सुई पीछे नहीं कर सकते, और इसलिए कोश्यारी जी को एकनाथ शिंदे को बुलाना पड़ा और एकनाथ शिंदे ने अपनी मेजोरिटी प्रूव की है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट आज तो सेफ है और ये मैटर अभी डिस्पोज ऑफ किया गया है। तो अभी गवर्नर और स्पीकर पे तो कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी के इस्तीफे की वजह से ये पूरी केस उनकी ओर से पूरी तहस नहस हो गई और अभी एकनाथ शिंदे ही सीएम रहेंगे। गवर्नर के ऊपर टिप्पणी की गई है, उन्होंने जो कुछ फ्लोर टेस्ट बुलाई वो और जो रीजंस दिए वो रीजंस सही नहीं थे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने और जो रेजिग्नेशन दिया वो 3 लाइन का ही दिया और उन्होंने कहा कि मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस रीजन के लिए दे रहा हूँ। अगर वो फ्लोर टेस्ट फेस करते तो विप का भी उल्लंघन होता और तब कोर्ट सोचती कि उनको फिर से बहाल करने का, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो अकेडमिक तौर पर इससे पूरे नतीजे पे कोई ये नहीं पड़ेगा। लार्जर बेंच को सिर्फ नबम रेबिया, वो तो आगे के लिए कि नबम रेबिया केस क्या थी कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ किसी ने डिस्क्वालिफिकेशन ये किया कि हमें इनमें विश्वास नहीं है तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय नहीं दे सकता। तो कोर्ट को लगा कि ये गलत है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने ये लार्जर बेंच के लिए भेजा है, लेकिन लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसका डिसीजन आने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे, तो ये आगे के केसेस के लिए काम आएगा, इस केस के लिए नहीं।